ये बात साफ थी कि लेबर पार्टी भारत को आजादी देने का मन बना चुकी थी, लेकिन ये कदम इस तरह आगे बढ़ाना चाहती थी कि भारतीय इसके लिए तैयार हो जाए। कि एक भारतीय ने ब्रिटेन पर शासन किया और आज वो चुनाव हारे हो, लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात पहले भी थी और अब भी है। दिलचस्प बात यह रही है कि इस बार के चुनाव में ब्रिटेन की पूर्व पीएम ली स्ट्रेस भी अपना चुनाव हार गई। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज ऐसे राजनीतिक दल की बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश का ना होते हुए भी हमारे देश के साथ खड़ा रहा, जिसका भारत कई आजादी में अपने ही देश के नेताओं के खिलाफ पूरी पार्टी खड़ी हो गई। जी हाँ, ब्रिटेन में आम चुनाव के चुनावी परिणाम आ गए हैं। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव सत्ता से बाहर हो गई है। वहीं डेढ़ दशक से सत्ता का निर्वासन झेल रही लेबर पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी की है। इस बार के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 410 सीटों पर चुनाव जीता है। वहीं ऋषि सुनक कई पार्टी कंजर्वेटिव ने खाते में मात्र 118 सीटें आई हैं। दिलचस्प बात यह रही है कि इस बार के चुनाव में ब्रिटेन की पूर्व पीएम ली स्ट्रेस भी अपना चुनाव हार गई। साथ ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शिप्स अपनी सीट हार गए। ग्रांट अब तक हारने वाले सबसे वरिष्ठ कंजर्वेटिव कैबिनेट सदस्य बन गए हैं। शिप्स को लेबर के एंड्रयू लेविन ने दक्षिणी इंग्लैंड से वेलिवन हेटफील्ड निर्वाचन क्षेत्र से हराया, जिस पर उन्होंने लगभग 2 दशकों तक कब्जा किया था। लेविन को 19,877 वोट मिले, जबकि शिप्स को 16,078 वोट मिले। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन की सत्ता में डेढ़ दशक बाद वापसी करने वाली लेबर पार्टी का एक इतिहास भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन में 14 सालों बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौटी है। इस पार्टी को हमेशा भारत का साथ देने वाली पार्टी के तौर पर याद किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही पार्टी है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को आजादी देने का कानून बनाया और वास्तव में इस देश को आजाद कर दिया। जबकि ब्रिटेन की दूसरी मुख्य कंजर्वेटिव पार्टी और उसके उस जमाने के दिग्गज नेता विंस्टन चार्लिस हमेशा भारत को आजादी देने के प्रबल विरोधी थे। इसी वजह से लेबर पार्टी को हमेशा से भारत के लिए खास दोस्ताना पार्टी भी कहा जाता रहा है। यह पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है या सत्ता में आती है तो भारत का ख्याल रखती है, बल्कि उसके घोषणा पत्र में भारत और भारतीयों को जगह भी मिलती है, उनके लिए वादे किए जाते हैं। दरअसल लेबर पार्टी का गठन 1900 में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियंस और समाजवादियों द्वारा काम करने वाले तबकों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए हुआ था। किताबें कहती हैं कि यह पार्टी हमेशा भारत को लेकर ज्यादा सहृदय थी। 1917 से लेकर 1939 तक इस पार्टी के नेता संसद और बाहर अपने भाषणों में भारत की आजादी आंदोलन के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए तो ब्रिटिश मतदाताओं के पास युद्ध से थके अपने देश के भविष्य को आकार देने का मौका था। दो मुख्य राजनीतिक दल थे, कंजर्वेटिव पार्टी जिसने दूसरे विश्व युद्ध में देश को विजयी बनाने में भूमिका अदा की थी, लेकिन इसका खामियाजा देश ने संसाधनों के तौर पर खोखला होकर चुकाया था। वहीं लेबर पार्टी महत्वाकांक्षी सामाजिक सुधार कार्यक्रम पेश कर रही थी। तब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रत्न था, जिसका उल्लेख दोनों पार्टी के घोषणा पत्रों में भी किया गया है। कंजर्वेटिव ने कहा कि भारतीय सेना की वीरता के बाद उन्हें डोमिनियन स्टेटस हासिल करने की योजना को अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो लेबर पार्टी ने ब्रिटिश लोगों से कहा कि उसका उद्देश्य भारत को जिम्मेदार स्वशासन की ओर बढ़ाना है, वो भारत को स्वशासन का मौका देंगे। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी कई सालों से ऐसे हवाई दावे कर रही थी। उसके रूढ़ीवादी नेता विंस्टन चर्चिल हमेशा भारतीय स्वशासन को खारिज ही कर देते थे। ये चुनाव लेबर पार्टी ने जीता। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, उनसे वही किया जिसकी बात आपने घोषणा पत्र में की थी। पार्टी ने वास्तव में फिर बहुत तेजी से साथ भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा कि लेबर पार्टी भारत के भविष्य के लिए अपने वादों को लेकर सीरियस थी। सितंबर 1945 में भारत के वायसराय लॉर्ड विविल ने एक सार्वजनिक प्रसारण में लेबर सरकार की नई भारत नीति की घोषणा की। इसमें उन्होंने बताया कि भारत में महत्वपूर्ण स्वशासन के सब कुछ दिया जाएगा और भारत में जल्द से जल्द एक संविधान निर्माण निकाय का गठन किया जाएगा। भारतीय इसकी मांग 1930 के दशक के मध्य से कर रहे थे कि भारतीयों द्वारा संचालित एक संविधान सभा बनाई जाए, जो अब साकार होने जा रहा था। ये बात साफ थी कि लेबर पार्टी भारत को आजादी देने का मन बना चुकी थी, लेकिन यह कदम इस तरह आगे बढ़ाना चाहती थी कि भारतीय इसके लिए तैयार हो जाए। साथ ही इस सरकार ने यह भी तय कर लिया कि अब भारत को पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी जाए। दो मुख्य राजनीतिक दलों हिंदू प्रभुत्व वाली कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई। साल 1946 में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की सरकार वो कानून तैयार करने में जुट गई जिसके लिए भारत को आजादी मिलनी थी।
इस कानून का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये कानून ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को शाही मंजूरी के साथ पास हो गया। इससे तय हो गया कि भारत को अब आजादी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। इसके बाद सत्ता का हस्तांतरण होने लगेगा। फिर भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया गया। ऋषि सुनक भले ही हार गए हों, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फिर भी बधाई दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक भारतीय ने ब्रिटेन पर शासन किया और आज वो चुनाव हारे हों, लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात पहले भी थी और अब भी है, क्योंकि रिश्ते दोस्ताना रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं वो दोस्तानी रिश्ते जो हैं वो कायम नजर आ रहे हैं। एट नाइन में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।